पटना में प्रदर्शन के दौरान एडीएम ने छात्रों पर बरसाई लाठियां। राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हाथ में लिए तिरंगे पर भी बरसाया लाठी, सामने आई बेरहमी की तस्वीरें। आपको बता दें कि पटना में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान एडीएम की बेरहमी की तस्वीरें सामने आई है। राजधानी में प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। प्रदर्शन के दौरान एक छात्र के एक एडीएम ने बेरहमी से पिटाई की और ये सब तब होता रहा जब लड़के के हाथ में तिरंगा था। आपको बता दें कि 15 अगस्त के दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार से वादा किया था कि वे 20 लाख नौकरी देंगे। इससे पहले डिप्टी सीएम तेजस्वी ने भी कहा था कि उनकी सरकार आई तो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन जब युवक नौकरी मांगने पटना आए तो उन पर खूंखार अधिकारी को छोड़ दिया गया जिन्होंने युवकों को जानवरों की तरह पीटा। वहीं जांच टीम बनाई गई एडीएम पर तो एक्शन किसी भी प्रकार का नहीं हुआ। पटना के एडीएम के सिंह ने एक युवक को बहुत बर्बर तरीके से पीटा है तो एडीएम की लाठी युवक के सिर में लगी, कान में लगी, उसके बाल खींचे गए। हद तो तब हो गई जब युवक ने तिरंगा निकाला तो अधिकारी ने उस पर भी लाठी मारी। जब तस्वीरें सबके सामने आई तो पटना जिला प्रशासन ने लाठी चार्ज मामले में डीडीसी और सिटी एसपी की 2 सदस्यीय जांच टीम बना दी। इस टीम से 2 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट देने को कहा है। आपको बता दें कि पटना में भारी संख्या में छात्र नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन नौकरी के बदले छात्रों पर पुलिस की बर्बरता की जो तस्वीरें आई है वे परेशान करने वाली है। वीडियो में हाथ में लाठी लिए दिख रहे अफसर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह है। प्रदर्शनकारी छात्रों में से एक ने हाथ में तिरंगा ले रखा है तो लेकिन एडीएम साहब ने न छात्र को लगने वाली लाठी का ख्याल रखा और न ही तिरंगे का। अफसर बाबू जानवरों की तरह छात्र को बस पीटते रहे। पीटने के बाद एडीएम ये भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि इसी लायक है, सब बहाना कर रहा है और मारो इनको। ब्यूरो रिपोर्ट, एमके न्यूज इंडिया, बिहार। माँ पार्वती हेल्थ केयर, हमारे यहाँ सभी प्रकार की ऑपरेशन एवं नॉर्मल डिलीवरी की उत्तम व्यवस्था 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें बस स्टैंड से पूरब छातापुर सुपौल, मोबाइल नंबर 9570271247।